अक्सर आप ये बातें सुनते होंगे कि इस देश के पास इतना परमाणु बम है, वो देश इतना खतरनाक परमाणु बम बना चुका है, इस वक्त पूरी दुनिया में इतने खतरनाक परमाणु बम है। लेकिन कोई नहीं बताता कि परमाणु बम के साथ ही साथ दुनिया ने एक और तबाही का सामान बनाया, वो है हाइड्रोजन बम। तो आज हम हाइड्रोजन और परमाणु बम के बारे में बता रहे हैं, कौन कितना खतरनाक है और कितनी तबाही ला सकता है। सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच मुख्य अंतर विस्फोट प्रक्रिया। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए, जिसकी वजह से 2,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन बम भी। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा बम ज्यादा खतरनाक है, उनके बीच में क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं और कौन सा बम अधिक शक्तिशाली होता है। तो हम सबसे पहले परमाणु बम की बात करेंगे, जिसके बारे में रोज बात होती है। परमाणु बम को नाभिकीय अभिक्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें फिशन यानी विखंडन की प्रक्रिया होती है। फिशन में परमाणुओं को हल्के तत्वों में विखंडित करने से ऊर्जा निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 किलोग्राम से बड़ा परमाणु बम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कई अरब किलोग्राम विस्फोटकों से उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए परमाणु बम को महाविनाशकारी हथियार कहा जाता है। यहाँ पर एक जानकारी साझा करते चलें कि सबसे शक्तिशाली विस्फोटक ब्लॉकबस्टर का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। इसको बनाने में 11 टन ट्राई नाइट्रीटोलिन का इस्तेमाल हुआ था। अब हम बताते हैं कि आखिर हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम का ही एक रूप है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होता है। परमाणु विशेषज्ञों की माने तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन या संलयन की प्रक्रिया होती। फ्यूजन में 2 हल्के परमाणुओं के मिलने से भारी तत्व बनने पर ऊर्जा बनती। इसको बनाने में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का प्रयोग होता है और परमाणुओं के संलयन से ही विस्फोट होता है। इस संलयन के लिए बड़े ऊंचे तापमान लगभग 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है और ये ताप सूर्य के उष्णतम भाग के ताप से बहुत ज्यादा। जब परमाणु बम द्वारा आवश्यक ताप उत्पन्न हो जाता है तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित होते हैं। इस संलयन की वजह से जो ऊष्मा और शक्तिशाली किरणें उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। अब हम बताते हैं कि इन शक्तिशाली बमों में कौन ज्यादा शक्तिशाली और ये बम किसके पास है। जी हाँ, परमाणु बम का आईवी किंग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षण किया गया सबसे बड़ा विखंडन परमाणु बम। इसे नवंबर 16, 1952 को एनोबेट एटोल में रूने द्वीप पर B-36H बॉम्बर से फेंका गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 500 किलोटन का विस्फोट हुआ था। अब हम बताते हैं कि हाइड्रोजन बम में कौन ज्यादा शक्तिशाली। तसार बम ANT-602 हाइड्रोजन बम का उपनाम था, जिसका अक्टूबर 30, 1961 को आर्कटिक सर्कल में मितुशिखा खाड़ी में सोवियत संघ द्वारा परीक्षण किया गया। यह सबसे ताकतवर परमाणु हथियार था जो कभी विस्फोट हुआ था और मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली मनुष्य द्वारा बनाया गया विस्फोटक। इसमें 50 मेगाटन TNT का विस्फोट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन शक्तिशाली और ये बम किसके पास है जो दुनिया को मिटाने का दम रखता है।